वाराणसी में ज्वार रोगियों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में राज्य स्तरीय दल द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों का आकलन किया गया। इस संदर्भ में टीम की ओर से पत्रकारों को जानकारी दी गई। वाराणसी जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों में सम्मिलित है तथा आसपास के अनेक जनपदों से विभिन्न रोगों के रोगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण वाराणसी नगर के विभिन्न चिकित्सालयों में उपचार हेतु नियमित रूप से आते हैं। वाराणसी जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, औषधियों एवं सेवाओं की उपलब्धता इत्यादि की स्थिति की निरंतर उच्च स्तरीय निगरानी की जाती है। राज्य स्तर पर प्राप्त विभिन्न मीडिया रिपोर्ट तथा उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक तीन सदस्य दल को सोमवार और मंगलवार जनपद वाराणसी के विभिन्न चिकित्सालयों में बुखार के रोगियों की स्थिति का आकलन करने हेतु भेजा गया। दल में डॉक्टर के एन तिवारी, निदेशक संचारी रोग, डॉक्टर विकास सेंदू अग्रवाल, राज्य सर्विलांस अधिकारी तथा डॉक्टर पंकज गुप्ता, फिजिशियन लोकबंधु राजबंधु चिकित्सालय लखनऊ सम्मिलित हैं। दल के सदस्यों के द्वारा 2 अक्टूबर को देर रात तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय तथा 3 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त चिकित्सालय रामनगर एवं श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा का भ्रमण कर वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही उपलब्ध जांच एवं उपचार सुविधाओं की गहनता पूर्वक समीक्षा की गई। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में टीम ने समीक्षा के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय पांडेपुर अस्पताल में 250 बेड उपलब्ध है तथा 50 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में 53 बेड उपलब्ध है तथा 20 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा सकती है। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा अस्पताल में 316 बेड उपलब्ध है तथा 40 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सालयों में रोगी के उपचार हेतु अनेक प्रकार के नवाचार भी किए जा रहे हैं। भ्रमण किए गए तीनों चिकित्सालयों में इमरजेंसी की व्यवस्था भी की गई है। समस्त चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों की स्थिति का आकलन करने पर पाया गया कि अनेकों रोगी पूर्णतया स्वस्थ तथा चलने फिरने में सक्षम थे, उनको बुखार भी नहीं था। ये रोगी केवल प्लेटलेट्स की कमी के भय के कारण चिकित्सालय में भर्ती थे। सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के रोगियों की उचित काउंसलिंग एवं परामर्श के उपरांत छुट्टी की जा सकती है। बनारस जिले में जो इस तरह की मीडिया से भी और वैसे भी सूचना मिली, और जिलों में भी है कि बुखार के थोड़े से ज़्यादा मरीज हैं या बुखार के मरीज बढ़े हुए हैं कुछ, और उसमें किस तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, और कोई भी चीज़ अनयूजुअल तो नहीं है, किसी और बीमारी के कारण तो नहीं बुखार हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लखनऊ से आए हैं। मैं निदेशक संचारी हूँ, हमारे साथ स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर हैं डॉक्टर विकास इंद्र अग्रवाल, और एक फिजिशियन भी लोकबंधु राजनारायण के हैं, वो हमारी टीम के सदस्य हैं। तो इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने तीनों जो बड़े चिकित्सालय हैं उनका दौरा किया, और वहाँ भर्ती जो मरीज हैं वो उनके इन्वेस्टिगेशंस, उनके सिम्टम्स और उनको जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और कुछ सुधारात्मक उपाय हैं उनसे भी वहाँ की सीएमएस से बात की कि क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक स्पेसिफिक डेंगू की बात करें हम, तो डेंगू के बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है। जो डेंगू का पूरे प्रदेश में प्रकोप जिस तरह से है, तो औसत से तो बनारस में कम ही है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है। 2 जगह तो इकाई में ही है, 1 जगह 13 पेशेंट हैं SSPG में, बाकी 12 हैं डेंगू के DDU में, और RBL में 8 मरीज हमें मिले जो कि पॉजिटिव हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो नॉन स्पेसिफिक फीवर के ही हैं, और इस डर से कि सब प्लेटलेट कम हो गई है, प्लेटलेट की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, या प्लेटलेट हमारी बढ़नी शुरू हो तब हम घर जाएं, वो इसलिए एडमिट हैं। अदरवाइज़ वो ठीक हैं, और वो अगर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए और उनको समझाया जाए कि डेंगू इतना ख़तरनाक नहीं है, और प्लेटलेट चढ़ना जो है वो कोई आवश्यक नहीं है कि प्लेटलेट चढ़वाएँ वो, तो वो उनकी छुट्टी भी की जा सकती है, घर जाएं। तो थोड़ा सा हम इस तरह के भी एक प्लान जो है उसको यहाँ पे मूर्त रूप देंगे कि हर हॉस्पिटल में एक डेंगू का एडमिशन प्रोटोकॉल लगे और एक डिस्चार्ज प्रोटोकॉल लगे, जिससे पेशेंट खुद एजुकेट हो सके कि अब हम ठीक हैं, हमारी इतनी प्लेटलेट्स है, हमें प्राइवेट में या किसी और लैब ने अगर बताया है कि तुम्हें चढ़ने की ज़रूरत है, तो वो स्वयं उसको पढ़ के वो स्वयं समझे कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है।